मैंने अपने मल्टीपल वीडियोस में काफ़ी लोगों को एक चीज़ समझाई है कि अगर कोई चीज़ पुरानी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक है। ये सेम चीज़ आयुर्वेद पे भी एप्लीकेबल होती है। ऑन द अदर हैंड आयुर्वेद का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये आता है कि लोगों को ये नहीं पता कि आयुर्वेद में एक्चुअली नॉलेज क्या थी और ओवर द ईयर्स उसमें क्या अपनी मर्जी से लोगों ने ऐड कर दी। अब कई चीज़ें ऐसी हैं जो आयुर्वेद में बहुत सालों से यूज़ हो रही हैं, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो बेनिफिट्स जो हैं वो साइंटिफिकली प्रैक्टिकली होते क्या हैं और कैसे होते हैं और उन्हें किस तरह से 10 गुना ज़्यादा ओवर हाइप कर दिया जाता है मार्केटिंग के लिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस चीज़ को आज मैं कवर कर रहा हूँ वो है कॉपर वाटर या ताम्र जल, जिसके ऊपर मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं कि सर ये जो कॉपर में लोग वाटर यू नो स्टोर करते हैं, कॉपर वाटर पीते हैं घर में, कॉपर वाटर बॉटल्स आजकल कैरी करते हैं जिसे हम ताम्र जल कहते हैं इन आयुर्वेद या हिंदी, तो उसका क्या बेनिफिट है और क्या इतने सारे बेनिफिट्स हैं जितने लोग उसके क्लेम कर रहे हैं कि उससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, स्किन क्लियर, ये डिजीज़ क्योर। अब प्लीज़ अंडरस्टैंड जस्ट इन शॉर्ट, क्योंकि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा ये है क्या चीज़। ताम्र जल के बहुत बेनिफिट्स हैं, अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये जो कॉपर वाटर या ताम्र जल है इसमें जो मैक्सिमम बेनिफिट्स आते हैं वो कॉपर के आते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कॉपर के बेनिफिट्स आते हैं, वो कोई कॉपर वेसल में स्टोर करने से कोई अलग उसमें किसी की कृपा नहीं हो जाती कि उसके अंदर कोई मैजिक हो जाता है, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं होती है। तो जो आपको नॉर्मल, लेट्स से आप खाने से कॉपर इनटेक कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा मैं कॉपर इनटेक कैसे होता है और क्या क्या फूड आइटम्स होती हैं जो आप नॉर्मल करते हैं, और कॉपर डेफिशिएंसी इज द रेयरेस्ट थिंग जो आपको कभी अकर होगी। तो अगर आप कॉपर वाटर ले रहे हैं इट हैज़ इट्स बेनिफिट, नहीं भी ले रहे हैं तो उससे कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि वो लेने से कोई ऐसी चीज़ हो जाए, क्योंकि कॉपर डेफिशिएंसी नहीं। पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली कॉपर क्या होता है। कॉपर एक आइडियली ट्रेस मिनरल है। ट्रेस मिनरल का मतलब होता है आपकी बॉडी में ये बहुत ही छोटे अमाउंट में चाहिए हो, और ये काफ़ी सारे फूड्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स में भी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल ये मल्टीविटामिन वगैरह, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे जो एंजाइम यूज होते हैं उसके कोफैक्टर की तरह कॉपर काम करता है। यानी अगर कॉपर डेफिशिएंसी है तो ये जो एंजाइम्स हैं ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, प्रॉपर केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी। आयरन को मेटाबोलाइज करने में, एब्जॉर्ब करने में कॉपर की का बहुत ज़्यादा यूज होता है। आपके कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, आपके जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इन सब में कॉपर का यूज होता है, और भी इसके बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा आपके जीन एक्सप्रेशन, ब्रेन डेवलपमेंट, इम्यून सिस्टम, इन सब चीज़ों में कॉपर एक बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है। कॉपर का जो बेनिफिट है वो काफ़ी सारे जो ऑक्सीडेटिव डिजीजेज हैं, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उसमें भी देखा गया है, और आजकल कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज और अल्जाइमर्स डिजीज जैसी प्रॉब्लम में भी कॉपर पर रिसर्च करी जा रही है, जिसमें उसके ऑफकोर्स बेनिफिट्स काफ़ी निकल कर आए। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके सामने जो डिस्कस करूंगा वो सिर्फ मैं इंटरनेशनल रिसर्च ही नहीं, आयुर्वेदिक रिसर्च स्टडीज डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह उन्होंने बड़ी क्लियरली बताया है कि क्या बेनिफिट है और क्या चीज़ें ओवर हाइप्ड हैं। जो कॉपर के जो फूड सोर्सेज हैं उनमें आते हैं सीड्स, नट्स, जो आपके मीट प्रोडक्ट्स होते हैं स्पेशली ऑर्गन मीट्स लाइक लिवर एंड किडनी, चॉकलेट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ कॉपर, आपके जो होल ग्रेन्स होते हैं जो आप रोज खाते हैं घर में वो सारे जो हैं काफ़ी रिच सोर्स हैं, काफ़ी सारे सी फूड्स में कॉपर मिलता है। तो कॉपर एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, एलिमेंट है जिसकी जो डेफिशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, मतलब ह्यूमंस में जो लोग नॉर्मल कंज्यूम कर रहे हैं किसी में ऐसी एज सच कॉपर डेफिशिएंसी नहीं देखी गई। जो हम नॉर्मल मल्टीविटामिन्स वगैरह भी कंज्यूम करते हैं या बाकी भी हम सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं उसमें भी जनरली कॉपर एडेड होता है, डिफरेंट फॉर्म्स में एडेड होता है, डजेंट मैटर, बट कैन बी फ्रॉम फ्यू माइक्रोग्राम्स टू अराउंड 15 माइक्रोग्राम, और उसकी जो अमाउंट होता है वो फ्यू माइक्रोग्राम से लेकर अराउंड 15 माइक्रोग्राम तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सप्लीमेंट टू सप्लीमेंट। कॉपर डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रेयर होती है, लेकिन स्टडीज़ में बताया गया कि अगर किसी को कॉपर डेफिशिएंसी होती है तो उसको काफ़ी हद तक जो मेडिकल डिजीजेज हो सकते हैं उनमें से कुछ हैं एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, एबनॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हाई हो जाता है, फैट लेवल्स है, जो फैटी लिपिड लेवल है आपके ब्लड में उसको कंट्रोल में जो है वो प्रॉपर नहीं रख पाती है बॉडी बिकॉज कॉपर डेफिशिएंट है, इम्यून सिस्टम काफ़ी हद तक इफेक्ट होता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती। जो कॉपर डेफिशिएंसी देखी गई है वो 3 केसेस में प्राइमरीली देखी गई है। जो पहला केस होता है वो होता है जो लोग सीलियाक डिजीज से सफ़र कर रहे होते हैं, इसको मैंने ग्लूटन की जो पूरी सीरीज बनाई थी उसमें बुक भी लिखी थी उसमें मैंने कवर किया था कि सीलियाक डिजीज इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं जो सीलियाक डिजीज से सफर करते हैं जिनमें जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होती है कॉपर की वो रिड्यूस हो जाती है, तो वो लोग कॉपर डेफिशिएंसी से काफ़ी हद तक सफर कर सकते हैं। अफकोर्स एक अच्छा मल्टीविटामिन वगैरह अगर उनको दिया जाए तो ये डेफिशिएंसी पूरी हो जाए। एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं मेंकेस डिजीज, जो एक ब्रेन डिसऑर्डर है,
इसमें देखा जाता है कि जो लोग मेंगेस जी से सफर कर रहे हैं उनको कॉपर डेफिशिएंसी होती है। और जो थर्ड केस है उसको आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और वो है एक्सेस जिंक इनटेक। जब आप मेरे से क्वेश्चन करते हैं ना कि क्या सर मैं ZMA खाता रहूं, तो ये प्रॉब्लम है ZMA कि जब मैंने आपको पहले भी बोला है कि जिंक डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन डेफिशिएंसी नहीं है। अगर आपको जिंक चेक कराना आप चेक करा सकते हैं कि डेफिशिएंट है कि नहीं, तभी जिंक कंज्यूम करिए। क्योंकि जब आप एक्सेस जिंक लेंगे तो क्या होगा, बॉडी में कॉपर डेफिशिएंट आएगा। और स्टडीज में देखा गया है कि अराउंड 60 mg पर डे भी अगर आप जिंक कंज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ 10 दिन तक भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो भी जो कॉपर है वो डेफिशिएंट देखा गया है। अब आप ये सोच के देखिए कि जो आप नॉर्मल ZMA लेते हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली 30 mg जिंक होता है और आप उसे कितने महीनों तक लेते रहते हैं, तो डेफिनेटली कॉपर डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। इसलिए मैंने हर बार बोला है कि अननेसेसरी सप्लीमेंट्स को ऐसा लेना नहीं चाहिए, ये चीजें मेडिकली रेगुलेटेड नहीं है। एंड स्टॉप लिसनिंग टू योर बॉडी बिल्डर्स एंड योर ट्रेनर्स न्यूट्रिशन के ऊपर, उनको इनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। वो सप्लीमेंट बेच रहे हैं, वो आपको नॉलेज नहीं देंगे अगर ये लेंगे तो इससे क्या डेफिशिएंसी हो सकती है, ये सब उनको नहीं पता है। ऑन द अदर हैंड अगर कॉपर एक्सेस में बॉडी में जाता है तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, और ये टॉक्सिसिटी कॉपर से नहीं, मैक्सिमम जो ट्रेस मिनरल्स हैं आयरन सेलेनियम यू नो कॉपर जिंक इन सबको अगर आप एक्सेस में ले रहे हैं तो उससे टॉक्सिसिटी हो सकती है। जिसका जो सबसे कॉमन जो सिम्टम आता है वो आता है सबसे पहले लिवर डैमेज और काफ़ी सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो आपको यू नो इफेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नोजिया या स्टमक क्रैम्प्स इंडाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको कॉपर के एक्सेस से हो सकती हैं। कॉपर जिस तरह कॉपर डेफिशिएंसी रेयर है उस तरह कॉपर टॉक्सिसिटी भी बहुत रेयर है। जनरली बॉडी से बैलेंस कर लेती है, एक्सेस कॉपर को एक्सक्रीट करती है, लेकिन कॉपर टॉक्सिसिटी उन लोगों में देखी गई है जिन एरियाज में यू नो पानी के लिए कॉपर पाइप्स यूज हो रही हैं और कॉपर उनमें लीच कर रहा है बिकॉज द पाइप इज नॉट वेल मेंटेन, तो वहां पर कॉपर की जो एक्सेस है या टॉक्सिसिटी है उन पॉपुलेशन स्टडीज में देखा गया। उसके अलावा कुछ ऐसे जेनेटिक डिजीजेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल विल्सन्स डिजीज, जहां पे कॉपर की टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं बता दूंगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैं आप सारी डिस्कशन कर रहा हूं सारी रिसर्च स्टडीज हैं और पूरा आर्टिकल जो है वो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है और डिटेल में, सो दैट इस वीडियो के बाद आर्टिकल को आप पढ़ सकें, ब्लॉग को पढ़ सकें और आपको पूरी डिटेल्स मिले, रिसर्च स्टडीज मिले, उसके लिंक्स मिले। और उसकी जो लिंक है आर्टिकल का लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पर चले जाएंगे एंड यू कैन रीड द आर्टिकल कम्प्लीटली। जो RDA वैल्यूज वगैरह हैं कॉपर की वो डिफर करती हैं पर्सन टू पर्सन। एक एडल्ट में इट इज अप्रॉक्सीमेटली 900 माइक्रोग्राम्स पर डे, लेकिन एक जनरल जो एडल्ट है वो इतना अमाउंट या इससे ज़्यादा ही अमाउंट रेगुलरली अपने खाने से कंज्यूम कर लेता है। इसलिए मैंने बताया ना कि कॉपर डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर है जो किसी केस में पाई गई है। अगर आप ये वैल्यूज जानना चाहते हैं तो इससे नीचे जो मेरा आर्टिकल है उस पर क्लिक करिए, आपको WHO की जो रिकमेंडेशन है और RDA सारी वैल्यूज हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे मैंने बताया कि हम जो कॉपर है वो बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट एरियाज में स्टोर होता है, तो हमारी बॉडी उसे ऑटोमेटिकली बैलेंस कर लेती है। बॉडी ज़्यादा अमाउंट में कॉपर स्टोर नहीं करती है, लेकिन जितना उसे चाहिए होता है उतना वो अपने पास हमेशा मेंटेन करती है। बाकी एक्सेस जो है वो आपके यूरिन या फीसेस वगैरह से निकाल देती है। तो ना तो ऐसा कोई टॉक्सिसिटी का चांस है, ना कोई एक डेफिशिएंसी का चांस होता है कॉपर में इन ऑलमोस्ट 99% से भी ऊपर इंडिविजुअल्स में। अब हम आते हैं कॉपर वाटर के ऊपर, क्योंकि जब तक आपको कॉपर समझ नहीं आएगा अब आपको यह समझ आएगा कि एग्जैक्टली कॉपर वाटर के रियल बेनिफिट्स क्या हैं। और अब हम आएंगे आयुर्वेदिक रिसर्च स्टडीज के ऊपर। एंशियंट इंडिया में या नेबरिंग कंट्रीज में जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉपर या सिल्वर, इनमें पानी स्टोर करना बहुत अच्छा माना जाता है। और ये जो कंसेप्ट है ये हजारों सालों से चलता आ रहा है, और इसका रीजन होता है कि इनके अंदर जब पानी स्टोर किया जाता है तो उससे जो वाटर है वो प्योरीफाई होता है। 2012 में इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन बैंगलोर में एक स्टडी करी गई जिसमें कॉपर वाटर, यानी जब एक कॉपर वेसल के अंदर पानी को स्टोर किया जाता है तो उसके माइक्रोबियल कंटेंट को टेस्ट करा गया, और डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया जैसे कि सैल्मोनेला के डिफरेंट वेराइटीज या यू नो ई कोली और ऐसे काफी सारे बैक्टीरिया जो हैं उनके ऊपर टेस्टिंग करी गई कि अगर पानी इन सबसे कंटेमिनेटेड होता है और उसे कॉपर के वेसल में स्टोर करते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट आता है। इन्होंने इन सारे बहुत सारे बैक्टीरियाज को ड्यूरेबिलिटी पानी के अंदर ऐड किया, उसे कंटेमिनेट किया और उसको एक बड़े कॉपर वेसल में अप्रॉक्सीमेटली 16 घंटे तक स्टोर किया। तो सरप्राइजिंगली जो रिजल्ट निकल कर आया वो बहुत ही अमेजिंग था। वो ये था कि 16 घंटे बाद इनमें से कोई भी बैक्टीरिया स्पीशीज जो थी वो उसमें नहीं मिली, यानी वाटर कॉपर ने उसको ऑटोमेटिकली जो था डिसइंफेक्ट कर दिया, उसमें से माइक्रोब्स को हटा दिया। ऑन द अदर हैंड
एक और मिथ आती है कि भाई कॉपर वेसल में अगर हम पानी स्टोर करेंगे तो उसमें कॉपर एक्स्ट्रा लीच होगा तो हमारे को कॉपर टॉक्सिसिटी हो सकती है. नहीं, हर एक स्टडी में इंक्लूडिंग दिस वन यही बताया गया है, क्लियर प्रूव करा गया, शो किया गया कि पानी को अगर आप कॉपर में कॉपर वेसल में या बॉटल में किसी में भी स्टोर कर रहे हैं काफी घंटों तक तो भी एक्सेस कॉपर उसमें लीच नहीं करता है. और जितनी भी टेस्टिंग हुई है उसमें कॉपर लिमिट्स घंटों की स्टोरेज के बाद भी जो है वो लिमिट में पाई गई है, जो WHO की एक्सेप्टेबल लिमिट्स है. सो सबसे पहला बेनिफिट ये आता है कॉपर वाटर का. जो एक्चुअल बेनिफिट है, जो हजारों सालों से उसको हम यूज कर रहे हैं, वो यही है कि पुराने जमाने में कोई RO फिल्टर या UV फिल्टर्स वगैरह नहीं होते थे. तो उस समय ऑफकोर्स उस समय पानी भी क्लीन होता था ऑटोमेटिकली, इतना पोल्यूटेड नहीं था जितना आज है, लेकिन फिर भी जो उस समय का पानी है उसको क्लीन करने के लिए जो इंडियन कल्चर में हम यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन डिफरेंट मेटल्स को, प्राइमरीली कॉपर वेसल्स, क्योंकि कॉपर एज सच थोड़ा सा चीप होता था एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स. तो कॉपर के बड़े बड़े लोग ऐसे एक यूटेंसिल्स और वेसल्स रखते थे अपने घर में, बर्तन रखते थे जिसके अंदर पानी को स्टोर किया जाता था घंटों तक. उससे ये होता था, जो अब रिसर्च में पता लगा है, कि जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं. यानी आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है अगर आप उसको कॉपर वेसल में स्टोर कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड, जो एक और मिथ थी कि भाई एक्सेस कॉपर उसमें लीच हो जाता है, वो पानी में कॉपर ज़्यादा आ जाएगा, वो टॉक्सिक हो जाएगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है. घंटों की स्टोरेज के बाद भी क्लियरली दिखाया गया है कि द अमाउंट ऑफ कॉपर जो पानी में मिला है वो वेल विद इन लिमिट्स है. इसीलिए आज भी जो हमारी कंट्री के पुअर एरियाज हैं, विलेजेस वगैरह, जहाँ पे पार्टी बहुत ज़्यादा है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ये वाले मॉडर्न फिल्टर्स, उनके लिए आज भी कॉपर वेसल में पानी स्टोर करना एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है. और आज भी वो कर रहे हैं, और आज भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो उनको रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ नहीं है फिल्ट्रेशन के लिए तो नॉर्मल पानी को बॉयल करिए जैसे हम करते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो बेनिफिट होता है. पानी को प्रॉपर बॉयल करिए, उसके बाद उसे कॉपर वेसल में स्टोर कर लीजिए. कुछ स्टडीज़ में ये भी दिखाया गया है कि अगर आप ऑलमोस्ट 36 घंटे तक भी कॉपर वेसल्स के अंदर पानी को रखते हैं तो भी एक्सेस कॉपर का कोई उसमें रिस्क नहीं होता है. ऑन द अदर हैंड, कुछ और बेनिफिट्स में ये भी आया है कि सिर्फ कुछ बैक्टीरिया ही नहीं, काफ़ी सारे फंगस या जो फंगाई फैमिली के जो कंटामिनेंट्स होते हैं, यानी या फिर जो वो माइक्रोगानिज्म जो बायोफिल्म्स फॉर्म करते हैं. ये बायोफिल्म क्या होती है? फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा आपके दांतों के ऊपर एक डेंटल प्लाक आ जाता है, तो वो जो डेंटल प्लाक है वो बायोफिल्म होती है. तो उन उस टाइप के जो माइक्रोगानिज्म्स होते हैं जो ये फिल्म फॉर्म करते हैं, उनको भी कॉपर वेसल में स्टोर करके उसे डिस्ट्रॉय करा जा सकता है. ऑल्सो कुछ स्टडीज में देखा गया है कि थोड़ा बहुत जो pH है वाटर का वो चेंज होता है, लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. अगर कहीं पर ये बेनिफिट लिखा हुआ है कि भाई कॉपर में स्टोर करने से पानी अल्कलाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो pH चेंज बहुत ही छोटा होता है, बहुत माइनर चेंज होता है, वो कोई नोटिसेबल चेंज नहीं है. और अगर है भी तो उससे कोई आपको खास बेनिफिट नहीं होगा. सो pH चेंज का बेनिफिट अगर कोई क्लेम कर रहा है, नहीं, दैट इज नो बेनिफिट. सो अगर हम इन सारी की सारी स्टडीज और अभी तक हमने जो डिस्कशन करी उसका कंक्लूजन ले, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि किसी भी चीज को ओवर हाइप करना, उसको ओवर स्टेट करना, जनरली उसके पीछे एक मार्केटिंग का रीजन होता है. अदरवाइज जो बेनिफिट आपको कॉपर वाटर से मिल रहे हैं या ताम्र जल से मिल रहे हैं या किसी कॉपर के वेसल में पानी स्टोर करके उसमें पीने से मिल रहे हैं, वो सबसे पहले यही है कि जैसे मैंने बताया जो हजारों सालों से यूज हो रहा है, उसका मेन रीजन, आइडियल रीजन एक ही है, वो ये है कि जितने भी उसमें बैक्टीरिया हैं, जो उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं, वो किल हो जाते हैं. अगर आपके घर में ऑलरेडी कोई हाई क्वालिटी फिल्टर्स यूज हो रहे हैं तो उसमें कोई स्पेशल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. हाँ, उसको स्टोर करने में प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी रीजनेबल एंड चीप, एंड इट कैन बी बेनिफिशियल ऑल्सो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते ये फिल्टर. सेकेंड इज के जो भी बेनिफिट है जैसे मैंने बताया वो कॉपर के होते हैं, कॉपर एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट. अगर आपकी बॉडी में कॉपर की डेफिशिएंसी है, जैसे मैंने बताया वो बहुत रेयर है, तो ये हेल्प कर सकता है, लेकिन उस केस में कोई मल्टीविटामिन भी हेल्प करेगा, नॉर्मल फूड्स भी हेल्प करेंगे जो कॉपर, जिनसे कॉपर मिलता है. लेकिन जो कॉपर की डेफिशिएंसी है वो बहुत ही बहुत रेयर एक डेफिशिएंसी होती है, वो मैक्सिमम लोगों में नहीं पाई जाती. अब इसको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली सोचिए, यहाँ पे लोग इमोशनल हो जाते हैं. यही है बेनिफिट, जो कॉपर के बेनिफिट्स है वही कॉपर वाटर या ताम्र जल के हैं. जो एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि अगर आप फिल्टर वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते या आप नहीं करना चाहते, तो कॉपर जो वेसल में स्टोर करके माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को खत्म कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड. और इससे कोई कॉपर टॉक्सिसिटी नहीं होती है. लेकिन इसके अलावा जो इसके बेनिफिट्स बताए जाते हैं कि ये डिजीज क्योर हो जाएगा, स्किन ऐसी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड, वर्ल्ड ओवर लोग जो कॉपर वाटर नहीं पी रहे हैं उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो गई कि उन्होंने कॉपर वाटर नहीं पिया है, और ना इंडिया में जो लोग कॉपर वाटर कंज्यूम कर रहे हैं उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है. तो इसलिए किसी चीज का जो एक्स बेनिफिट है
उसको एक्स इंटू टेन करके बताना इज प्योर मार्केटिंग, और इसमें आयुर्वेद नहीं आता है। जो मैं स्टडीज पढ़ रहा हूँ वो आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स की ही स्टडीज हैं, वहाँ पे कहीं पर भी ऐसे ओवर हाइप्ड बेनिफिट्स नहीं है। मैंने मल्टीपल स्टडीज देखी हैं, किसी भी आयुर्वेद स्टडी में ये नहीं बताया गया है कि कॉपर वाटर पीने से कोई ऐसा सुपर बेनिफिट होगा, आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी, हेयर फॉल रुक जाएगा, आपके डिजीज क्योर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अगर हम जो मार्केटिंग क्लेम्स हैं उनकी बात करें, तो मैंने आपको पहले ही बताया उनसे बी बेयर रहिए। कॉपर वाटर में कोई हार्म नहीं है, अगर आप कॉपर की बॉटल कैरी करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है आजकल के टाइम में। प्लास्टिक बॉटल से तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है कि आप एक कॉपर बॉटल कैरी करें अपने पास, एंड यू शुड, इट हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ पानी को बहुत क्लीन रखेगा, प्योर रखेगा, उसमें कंटेमिनेशन नहीं होने देगा, इवन अगर वो काफ़ी टाइम तक उसमें पड़ा हुआ है, प्योर कॉपर, क्योंकि मिक्सड एलॉयज भी आते हैं आजकल, प्योर कॉपर की जो बॉटल आती है। तो और जो बाकी बेनिफिट्स लोग क्लेम कर रहे हैं, ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं है। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है उसको आप पढ़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए बी एस टॉपिक।